हेलो, कंटिन्यू करते हैं बस चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल मतलब क्या? मैंने बताया था उस टाइम पर स्टेट वगैरह नहीं होते थे, इस टाइम पर प्रोविंस होते थे। तो स्टेट का ही एक सिनोनिम आप कह सकते हो उसको, प्रोविंस। ठीक है, तो बता रहे हैं स्टेट का या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा था। द गुप्ता रूलर्स इवॉल्व द फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं ये ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने जिन्होंने सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया था, एक एट अ लोकल लेवल एंड एट अ प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, विच वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका मेन पर्पज स्टार्टिंग में क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर। द कोर ऑफ द एम्पायर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द वॉज डिवाइडेड इंटू भुक्तीज, ईच ऑफ विच वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका। द उपारिका वॉज अ गवर्नर अपॉइंटेड टू बाय द किंग। वो क्या कह रहा है? द कोर ऑफ द एम्पायर, कोर मतलब इसके बैकबोन, जो मेन पार्ट जो एम्पायर का था वो कौन कंट्रोल करता था? सिर्फ डायरेक्ट गुप्ता, यानी किंग्स लोग जो होते थे वो कंट्रोल करते थे। और उस कोर को बेसिकली, वो जो कोर था एम्पायर का, उसको डिवाइड किया गया। कुछ पार्ट्स में इसको उन्होंने क्या नाम दिया? भुक्तीज। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? भुक्तीज। ठीक है, जिसका चार्ज इंचार्ज कौन था? उपारिका। जिसका चार्ज कौन था? उपारिका। और क्या होती थी पोजिशन? क्या होती थी? उपारिका। और उस उपारिका कौन अपॉइंट करता था? बेसिकली उपारिका होता क्या था? उपारिका एक गवर्नर होता था, और वो उपारिका को अपॉइंट कौन करता था? किंग। उसको अपॉइंट कौन करता था? किंग। ठीक है, फिर जो भुक्ति जो है, भुक्ति उसको भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया, वैश्याज में। ठीक है, अंडर द चार्ज ऑफ, और इंचार्ज होती इसका जो इंचार्ज होता था वो कौन होता था? वैश्यपति। ठीक है, विश्वपति बेसिकली बोल सकते हो, विश्याज और विश्वपति। फिर विश्यास को भी, विश्या को भी काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंटू स्मॉलर यूनिट्स। दिस पैटर्न हाउ एवर प्रेजेंट मिलियन टेरिटरी डायरेक्टली गवर्न बाय द गुप्ता किंग। वो कह रहे हैं ये जो पैटर्न था डिवीजन वाला, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में, छोटे पार्ट को और छोटे पार्ट में डिवाइड करने वाला, ये जो पैटर्न था ये बेसिकली उन टेरिटरीज में प्रेजेंट था जहाँ पर सीधे गुप्ता किंग से रूल करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कहीं और की बात करें, देयर एग्जिस्ट डिफरेंट फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज देश, मंडला, भोग एक्सेट्रा। अदर अलग जगहों पर दूसरे दूसरे सिस्टम होते थे। कोई देश नाम का, कोई मंडला नाम का, कोई भोग नाम का, ये अलग सिस्टम होते थे, स्पेशली इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर गांव बहुत ज्यादा होते थे, तो गांव को एडमिन कैसे किया जाता था, गांव को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था? तो खैर, उसको मैनेज करने वाला पर्सन कौन होता था? विलेज हेडमैन। उसको विलेज हेडमैन का नाम दिया जाता था। द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग लोकल एलिमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज और स्मॉल टाउन्स कॉल्ड विदीज विथीज। क्या कह रहे हैं? गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में ऐसा लिखा हुआ है, क्या चीज़ है? द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग लोकल एलिमेंट्स। लीडिंग लोकल एलिमेंट्स मतलब क्या है? वहाँ के लोग, बेसिकली ऐसे लोग जिनका लोगों को लीड करने में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे गांव का हेड बनने के लिए, जिनको क्या नाम दिया जाता था? विदीज। इसको क्या नाम दिया जाता था? विथीज है ना, उन लोकल एलिमेंट्स को। नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी इफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट एंड दिस मे हैव बीन ऑल्सो ट्रू ऑफ अदर इम्पोर्टेंट अफेयर्स। वो कह रहे हैं गाँव में कोई भी लैंड का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उनके कंसेंट के साथ ही होगा, कंसेंट वाला इच्छा मंजूरी, उनके कंसेंट के बिना। किनके कंसेंट के बिना? इन विदीज के कंसेंट के बिना कोई लैंड ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता था। एंड दिस मे हैव बीन ऑल्सो ट्रू ऑफ अदर इम्पोर्टेंट अफेयर। और भी काम है जो इनकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता था, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दस वाइल विलेजेस इन मॉडर्न टाइम्स वर मैनेज फ्रॉम अबव। वो कह रहे हैं मॉडर्न टाइम पर जो गाँव है तो वो
अब मेंशन लोगों से मैनेज होते थे। दोज इन गुप्ता टाइम सीम्स टू हैव बीन मैनेज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। मतलब कहा जाता है मॉडर्न टाइम में तो हम गांव को मैनेज करते थे ऊपर ऊपर से, एक ऊपर ऊपर से मैनेज करते थे, लेकिन गुप्ता के टाइम पर देखा जाए तो हम ग्रास रूट लेवल यानी बहुत डीपली अच्छे से ज़्यादा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक उसे डिफरेंस है पूछ सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में जो गांव का लेवल था और जो गुप्ता पीरियड में था क्या डिफरेंस था, तो वो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाउन की बता दिया, देयर वर वेरियस टाउन्स जिसको जनपद बोलते हैं, इनके अलग ही से अपनी सील होती थी, इन्फ्लुएंस होते थे हर टाउन पे, देवर एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमेटी ऑफ फाइव। वो टाउन्स होते थे, टाउन्स उनको एडमिनिस्टर करने के लिए उनकी एक टीम वहाँ पे कमेटी होती थी 5 लोगों की। सम टाउन्स आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय सम काइंड ऑफ परिषद। नहीं, कुछ कुछ टाउन्स ऐसे थे, कुछ कुछ टाउन्स ऐसे थे जिनको एडमिनिस्टर करने के लिए कमेटी नहीं थी, परिषद था। एक तरीका क्या था, परिषद हुआ करते थे। चल, द टाउन सिंधी गुप्ता हैं पर वर यूजुअली प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड पुरपला। वो तो टाउन हो गए, टाउन तो टाउन की देख रेख होती थी ऑफिसर के अंडर में होती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। तो वो टाउन जिसके अंडर में होता था ना उसको हम क्या कहते हैं, पुरपला, पुरपला, पुरापला, जो भी आप बोलना चाहो, पुरपाल, पुरपाल जो भी बोलो आपको। द लीडिंग लोकल मैन वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाउन। जो लीडिंग लोकल मैन थे जो भी ऊपर हमने बात की थी वो लोग भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हुए थे। सच पीपल बिलोंग टू द गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स विच फ्लरिश ड्यूरिंग द गुप्ता। वो कह रहे हैं ये जो बेसिकली जो लोग थे तो आर्टिस्ट होते थे बेसिकली या फिर ट्रेडर्स होते थे। ठीक है, जिन्होंने गुप्ता इसको फ्लरिश करने में काफ़ी हेल्प की। वैशाली एक जगह है, गांव था बेसिकली, वैशाली इन बिहार वॉज एन इम्पोर्टेंट टाउन वेयर देर वर सेपरेट गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस कुलिका जिसको कहते हैं पेस्टू कहते हैं, पेस्टू कहते हैं। तो वो कह रहे हैं बिहार में गांव है वैशाली, वो एक ऐसा टाउन है जहाँ पर सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर सेपरेट एक ग्रुप बना हुआ है इनका, कुलिक्स का, कुलिक का, कुलिक का और श्रेष्ठ का, कुलिक मतलब आर्टिस्ट का और मर्चेंट्स का। ठीक है, एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है। फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिटी, फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिटी क्या मतलब इस हेडिंग से, कितनी पर हेडिंग मुझे देखने रहा। थ्री एंड हाफ पेज आ गए। देखो रीड करते हैं और कुछ मीनिंग बता दूँ। फ्यूडल का लिख लिया मैंने, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द एंटो सेवल चेंजेस अंडर द गुप्ता। द मॉडर्न स्टेट इज क्रेडिटेड विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटेंट बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल व्हिच मे हैव बीन ट्रू ऑफ इट्स रूल इन द कोर एरिया ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। द गुप्ता पीरियड शोज द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। ये वर्ड मैंने मार्क कर रहा हूँ, ये नोट करते हो साथ के साथ। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ माइंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा टुगेदर विद दोज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस व्हिच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल्स वर नाउ ग्रेजुअली डेलीगेटेड फर्स्ट टू द प्राइसली क्लासेस क्लास एंड लेटर टू द बॉयज क्लास। ये कुछ वर्ड्स हैं, जरा इनको नोट करो। पहले नोट आपने, मैं आपने इसको कैसे बताऊं, फ्यूडल का मतलब होता है, फ्यूडल का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, देखो
पुअर का मीनिंग बता दूँ, पुअर का फ्यूडल का एग्जैक्ट मीनिंग तो मतलब आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा हिंदी में, इसको सामंती बोलते हैं। बेसिकली सामंती करके लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, जागीरदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जागीरदार है ना। तब इसे बता रहे हैं, हाँ इसको सिस्टम से आप ये लिखो दास, फ्यूडल में दास, दास मतलब पता है ना आपको, स्लेव बेसिकली, स्लेव हाँ, या फिर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, डिपेंडेंट नेचर ऑफ पॉलिटी, राजनीति का डिपेंडेंट नेचर था, राजनीति का डिपेंडेंट नेचर था, राजनीति दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट थी, ये यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है डिपेंडेंट लिख दो, डिपेंडेंट। डेवोल्यूशन लिखो, डेवोल्यूशन में ट्रांसफर, डेवोल्यूशन मीन्स ट्रांसफर है ना, लिखिया पढ़ते जरा। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडरवेंट सेवरल चेंजेस अंडर द गुप्तास, वो कह रहे हैं गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, गुप्ता के कंट्रोल के टाइम पे, गुप्ता दिन में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था ना वो काफ़ी सारे उसमें चेंजेस हुए, काफ़ी सारे उसमें चेंजेस हुए। तो क्या क्या चेंजेस हुए तो बता रहा है, वो कह रहा है मौर्य स्टेट में, यानी गुप्ता से पहले रूल करते तो मौर्य, तो मौर्य की जो स्टेट है उसको जो क्रेडिट दिया जाता है, मौर्य का जो एम्पायर था या मौर्य का जो रूल था, रूलिंग पीरियड था, उसकी तारीफ किस लिए की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज कंट्रोल। सबसे बड़ा तो उन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल लेकर है, मॉडर्न से सेंट्रलाइज कंट्रोल लेकर है। इंडिया 50 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइटेड किया और एक सेंट्रल सिस्टम बनाया, तो इस तरह से उनकी क्वालिटी, उनकी तारीफ की जाती है बेसिकली, मॉडर्न स्टेट की अगर तारीफ किया जाए तो इस तरह से की जाती है। विच मे हैव बीन ट्रू ऑफ इट्स रूल इन द कोर एरिया ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, जो कि ट्रू भी है, जो कि ट्रू भी है, मतलब माना जा रहा है ये सही भी है, अगर मिडिल गंगा प्लेन्स में जाकर देखा तो ये चीज़ सही हमें लगेगी। लेकिन बेटा गुप्ता पीरियड शोज द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन, गुप्ता पीरियड में लेकिन हमें ट्रांस वाली प्रोसेस दिखाई देगी, किस चीज़ की, ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, हमने स्टेट अथॉरिटी की जो पावर है ना उसको हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं, कैसे, द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का कलेक्शन करना, रेगुलेशन ऑफ माइंस, माइंस को रेगुलेट करना, एग्रीकल्चर वगैरह एक साथ है ना, विद दोज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द डिफेंस, जो कि पहले स्टेट ऑफिसर्स देखा करते थे, अब वो धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे, अब मतलब गुप्ता के टाइम पर, गुप्ता के टाइम पर अर्लियर मतलब कि मौर्य के टाइम पर, तो अब वो गुप्ता के टाइम पर उनको धीरे धीरे डेलीगेट किया जा रहा है। सबसे पहला हेड बनाया प्राइसली क्लासेस के लोगों का, फिर तो बाद में हेड बनाया वॉरियर क्लास के लोगों का, यानी ऐसे वो डिवाइड करते आ रहे हैं, वो थोड़े पावरों को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट था बेसिकली पूरे उसमें। हाँ एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मौर्य स्टेट की तारीफ क्यों की जाती है, तब वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल लेकर आए थे बेसिकली, ये लाइन आप कह सकते हो कि अच्छी है। ठीक है द गोल्डन एज ऑफ कल्चर, अब शायद कुछ अच्छा स्टार्ट हो ना, बाल होने बाल था, बट काफी छोटे पैराग्राफ दिया हुआ है। गोल्डन एज क्यों कहा गया, गोल्डन एज सुनहरा पीरियड बेसिकली, काफी अच्छा पीरियड था, इस अच्छे पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया गोल्डन एज। ठीक है और गोल्डन का मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ दिस पीरियड। ठीक है गोल्डन का मतलब ये कुछ नहीं था, गोल्ड वगैरह बहुत हो नहीं उस टाइम पीरियड पर, उनको कंट्रोल वगैरह मतलब सिविलाइजेशन वगैरह कल्चर वगैरह सब बहुत अच्छा था, उस अच्छे वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने गोल्डन वर्ड का यूज़ किया। तो इससे आप याद रख लेना, आप सब पूछ सकते हैं कि क्यों बोला जाता था गोल्डन एज को, ये पूरा ये बेसिकली यहाँ पे से आप शॉर्ट कर लेना इसको, लेवल एंड अलोंग विद द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म रिवाइव होना स्टार्ट हुआ, मोस्टली जो किंग्स वगैरह बुद्धिज्म वगैरह बन गए थे, तो यहाँ पर हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, थोड़ी क्रिएटिविटी अनलिस्ट होना, ओपन करना बेसिकली है ना, क्रिएटिविटी बाहर ले गए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस। दिस पीरियड ऑल्सो शो द एक्सटेंशन ऑफ
दिस इन्फ्लुएंस बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स। मतलब वो कह रहे हैं इस पीरियड ने अपना एक्सटेंशन दिखाया बियॉन्ड इंडियाज फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के बाहर भी हमें इंडिया का इफेक्ट, इन चीज़ों का इफेक्ट देखने को मिला, यानी इंडिया का इफेक्ट इंडिया के बाहर भी देखने को मिला, काफ़ी अच्छी बात है। अब ये ज़रा एजुकेशन वगैरह पढ़ लें ज़रा। देवेंद्र गुप्ता एज पीछे चलेगा सबसे ऊपर। ड्यूरिंग द गुप्ता एज एजुकेशन वॉज गिवन एट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एट मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेशन को सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल आउटपुट इन द वेरियस फील्ड्स लाइक लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। वो कह रहे हैं इस चीज़ का अगर आपको एविडेंस लेना है तो आप तो देख सकते हो, लेकिन वो आउटपुट कैसे होना इंटेलेक्चुअल, अगर आप थोड़ा मेंटली देखोगे तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि उस टाइम पर कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए थे लिटरेचर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिसिन में, इन चीज़ों में इतने सारे मतलब आउटपुट निकले। तो इससे समझ सकते हो आउटपुट कब आएगा, एफर्ट्स दोगे, एफर्ट्स दोगे इसका मतलब वो आप उसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ एविडेंस आपको दे रहे हैं कि हाँ इन चीज़ों में उस टाइम पर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वास्तव में वहाँ पर उन लोगों के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। देर आर मैनी सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन सिटीज़, लर्निंग सेंटर्स भी थे बेसिकली, जैसे हम स्कूल वगैरह होते हैं ना ऐसे, वहाँ पर काफ़ी थे, जैसे पाटलिपुत्र में थे, वल्लभी में थे, उज्जैन में थे, अयोध्या, नासिक, बहुत सारी जगहों पर याद रख लेना सेंटर्स ऑफ लर्निंग के नाम। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द टीचर्स वर लर्निंग ब्राह्मण्स, जो टीचर्स बेसिकली होते थे, टीचर्स होते थे बेसिकली वो केवल ब्राह्मण्स होते थे। वो केवल कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे जिनको आचार्य आचार्य के भी सीनियर होते थे, उनको उपाध्याय और कुछ लोगों को भट्ट भी बोला जाता था, भट्ट है ना, आचार्य भट्ट का नाम सुना अगर आपने तो, ठीक है। दिस टीचर्स वर सपोर्टेड बाय द ग्रांट ऑफ विलेजेस, ये टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, गांव से चंदा मिलता था, गांव से डोनेशन मिलता था, गांव से ग्रांट मिलते थे, तो वहाँ से ठीक है, ये बच्चों से फीस नहीं लेते थे, गांव से इनको ग्रांट मिलती थी, ठीक है। कॉल्ड द अग्रहस, अग्रहरस है ना, अग्रहरस है ना, गिवन बाय द गुप्ता रूलर्स एंड चैरिटीज गिवन बाय द जेनरस पब्लिक, गुप्ता रूलर्स देते थे और जेनरस पब्लिक जो होती थी वो उनको देती थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वैसे याद रखना चाहिए, आप थोड़ा दिमाग लगा लो कैसे चलते हो, चंदी से चलते थे बेसिकली। डिसिपल्स, डिसिपल्स मतलब स्टूडेंट्स, डिसिपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, जिनको शिष्य कहा जाता था, हैड टू लर्न 14 सेक्शंस ऑफ साइंस, उनको साइंस में 14 चीज़ें सीखनी होती थी ना, उनका सिलेबस बताया था बेसिकली, उनका सिलेबस क्या होता था, चतुर्दश विद्या, साइंस में 14 चीज़ें सीखनी होती थी, कंप्राइजिंग यानी अलग से, मतलब अब 14 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें थी, उन 14 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती थी, फोर वेद, सिक्स वेदन का 10 हो गए, द प्राण्स एक, ये द मीमांसा दो, एक नयन, तीन न्याय धर्म, ठीक है 14 ही हो गए, 14 तो ही हो गए कि नहीं हो गए, फोर और सिक्स 10 11 12 13 14, इनके अलावा, इनके अलावा उसका पढ़ना होता था उन्हें, इनके अलावा ये तो बेसिकली 14 जो है ना, 14 14 को डिस्क्राइब करवा रहा हूँ मैं, और इसके अलावा व्याकरण जिसको ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि एंड सप्तसहिरी संहिता जिसको क्या बोलते हैं महाभारत, ये बेसिकली इनका सिलेबस होता था। इन द गुप्ता पीरियड द जैन एंड बुद्धिस्ट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन एज्यूम द डिफरेंट डायमेंशंस, गुप्ता पीरियड में अगर देखा जाए तो जैन और बुद्धिस्ट लोग होते थे, उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट था बेसिकली, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी, एडमिटेड स्टूडेंट फॉर 10 ईयर्स, जो बच्चों को 10 साल के लिए एडमिट करती थी, याद रखना ये चीज़ पीरियड वगैरह।
लर्निंग बिगिन विद ओरल मेथड लेटर दिस एप्टर टू द रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट पहले ओरल से स्टार्टिंग होती थी ओरली के बाद में रीडिंग अभी राइटिंग का ही नहीं है कहीं पर भी मोनेस्ट्रीज में लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पर इम्पोर्टेंट मैनुस्क्रिप्ट भी होते थे वहाँ पे ना जैसे बुक्स बोल सकते बेसिकली उसको वो भी वहाँ पर होते थे स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना साउथ ईस्ट एशिया के पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बाहर बाहर से भी लोग आते थे वहाँ पे द मोनेस्ट्रीज वर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय ग्रांट्स फ्रॉम द किंग्स एंड इस मर्चेंट मर्केंटाइल क्लासेस ये भी वैसे चलती थी छिंदे से ठीक है दे अट्रैक्टेड रुइंस में होता ढेर बर्बादी के बाद बाद जो बचता है उसको ढेर बोलते हैं किसी चीज़ के बर्बाद होने के बाद जो बचता है उसको ढेर बोलते हैं तो भैया ढेर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद होगी बाद में जला दी गई थी उसको तो उसका जो ढेर बचा हुआ है देर वर स्कॉलर्स फ्रॉम फार एंड नियर मतलब आस पास से और दूर दूर से भी वहाँ पे लोग आते थे ठीक है फाइव ईयर ऑल्सो स्पेंड सेवरल ईयर्स इन द मोनेस्ट्री एट पाटलिपुत्र फाइव ईयर भी काफ़ी सालों तक पाटलिपुत्र की मोनेस्ट्री में रहा स्टडिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स बुद्धिस्ट लोगों की रिलीजियस बुक्स भी पढ़ी उन्होंने ठीक है हायर एजुकेशन वॉज गिवेन इक्वल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द गुप्ता एज एज इज एविडेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो कह रहे हैं उस टाइम पर हायर एजुकेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी ठीक है जैसा कि हम एविडेंट लगा सकते हैं बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक्सटेंड कर क्या होती थी द टू पॉपुलर यूनिवर्सिटीज वर तक्षशिला एंड नालंदा हमारे इंडिया की वर्ल्ड फेमस थी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया की आज के टाइम पे हमने ऑक्सफोर्ड का स्टैनफोर्ड का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम हम सुनते हैं उस टाइम पर तक्षशिला और नालंदा वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे हमारे इंडिया के अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंटर्स इन द वर्ल्ड विच ऑफर्ड हायर एजुकेशन वर्ल्ड में ठीक है दिस यूनिवर्सिटी वॉज हाउएवर एस्टैब्लिश बिफोर द गुप्ता एम्पायर केम इनटू एग्जिस्टेंस हाँ ये यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि गुप्ता गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही नहीं ये उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी ये उससे पहले ही एग्जिस्ट करती थी ठीक है ठीक है पढ़ते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इट वॉज द मोस्ट रेनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इट वॉज लोकेटेड एट नालंदा नालंदा एक जगह का नाम है इसलिए उसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी पड़ा नालंदा है कहाँ पर राजगीर बिहार में जगह है अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी गिवन इन द इंस्क्रिप्शंस एंड इन द अकाउंट्स ऑफ ह्यूएन सांग सांग नेटिव साइलेंट रहेगा यहाँ पे ह्यूएन ह्यूएन सांग अ चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन हर्षवर्धन भी किंग थे ठीक है तो उनके टाइम पर एक चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर आया था ठीक है तो उसने भी काफ़ी सारी अपनी बुक्स वगैरह लिखी तो उन चीज़ों के भी इंस्क्रिप्शन नालंदा यूनिवर्सिटीज में दे रखे हुए हैं बेसिकली यानी बहुत बड़े बड़े लोगों के भी थॉट्स वहाँ पर सेफली प्ले वो सेफली प्लेस करके रखे हुए उन लोगों ने द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा हैड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स देयर वर एटलीस्ट 8 कॉलेज ओहो वहाँ पर 8-8 कॉलेज थे यूनिवर्सिटीज के अंदर उस टाइम पर बिल्ट बाय डिफरेंट पैटर्न्स अलग अलग किंग ने बनवाई थी वो बनवाए बालपुत्र देव है ना किंग ऑफ सुमित्रा एक जिसमें से एक बलपुत्र देव जो कि सुमित्रा किंग के बेटे थे उन्होंने बनवाई थी नहीं बलपुत्र देव जो कि सुमित्रा एक जगह है वहाँ के किंग थे उन्होंने बनवाई थी अकॉर्डिंग टू ह्यून सेंग द होल यूनिवर्सिटी एरिया वॉज एनक्लोज बाय अ ब्रिक वॉल पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उसको एक दीवार से कवर किया गया है
The Nalanda University facilitated to the students for their studies. There were three great libraries. वहाँ पर तीन great libraries थी. पहला रत्न सागर, रत्न धदी, रत्न रंजक. रत्न रंजक. There were more than 10,000 students and teachers. Okay. पॉपुलैरिटी देखो उस टाइम की. मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स उस टाइम पर वर्क करते थे, यानी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उस टाइम पर थी बहुत. कहाँ कहाँ से आते थे? कोरिया, मंगोलिया, जापान, चाइना, तिब्बत, सीलोन. सीलोन क्या है? आज के टाइम पर इसका नाम श्रीलंका है. सीलोन मतलब क्या? आज के टाइम पर इसका नाम क्या है? श्रीलंका. ठीक है, रावण की लंका. एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे तो आते ही आते, तो ऑब्वियस सी बात है. तो देखो बाहर बाहर से लोग आते थे वर्ल्ड में, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते थे हमारे यहाँ. हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पर कितना स्ट्रांग था, आज के टाइम पर हम कितने पीछे हो गए हैं. उस टाइम पर कितना स्ट्रांग था हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो. द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी वर ऑल द फोर वेदर्स. क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे नालंदा में? चारों वेदों को पढ़ाते थे, लॉजिक्स पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, मेडिसिन के बारे में बताते थे, संख्य, योग, न्याय, और जो बुद्धिस्ट वर्क होते थे बेसिकली वो भी पढ़ाते थे. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एन नॉट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी. कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सिस्टम था. ये लो हायर एजुकेशन 10th 12th की बात, इसके पोस्ट ग्रेजुएशन का सिस्टम यहाँ पर भी था. पोस्ट ग्रेजुएशन का, इट वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन. टू बी एडमिशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट था. बिफोर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन दिस 20% स्टूडेंट्स पास्ड एंड द रेस्ट वर रिजेक्टेड. ये लो 100 में से अगर 20 बच्चे पास हो पाते थे केवल, मुश्किल से वो भी. ओनली द मोस्ट ब्रिलियंट वर एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी. तो ऐसा लोग वहाँ पर एडमिट किए जाते थे. नालंदा कंटिन्यू टू बी अ बेकन ऑफ लाइट अप टू 12th सेंचुरी. बेकन मतलब पता क्या होता है? देखो फिर वहाँ का आपने लाइट हाउस देखा? लाइट हाउस तो लाइट हाउस कैसा होता है? लाइट हाउस में एक पिलर होता है और उस पिलर पर लाइट्स लगी होती है और चारों ओर रोशनी कर रही होती है. चारों ओर ऑल अराउंड और अपनी चारों सराउंडिंग में क्या कर रही होती है? लाइट कर रही होती है. तो भाई फ्रेज है बेसिकली बैकवर्ड ऑफ लाइट, मतलब अपना इफेक्ट चारों दिशाओं में फैलाना, अपना इन्फ्लुएंस हर जगह पर फैलाना. तो भाई कह नालंदा ने अपना इफेक्ट हर जगह फैलाया अप टू 12th सेंचुरी तक. 12th सेंचुरी AD तक है ना, वेन इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी. जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने हमारे यहाँ पर अटैक किया, उसने सबसे पहले इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. जो कि कौन था? एक मोहम्मद गौरी का एक जनरल था. मोहम्मद गौरी का एक जनरल था. टुडे ओनली द रिमेंस ऑफ इट्स मैग्निफिकेंट ग्लोरी कैन बी सीन. आज कल उनके कुछ बच्चे कुछ पार्टी अब देख सकते हो. नालंदा यूनिवर्सिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बस अवशेष रह गए हैं, उसके बस पत्थर रह गए हैं. कुछ वहाँ पर दबा हुआ होता हो, किताब वगैरह बता लगे सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करके चले गए. साइंस में देखते हैं क्या है. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मैनी ब्रांचेस इन मैनी रिकॉर्डिंग चल रही है. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस. मतलब साइंस में ही नहीं केवल एक गैर साइंस पढ़ाता हूँ, बहुत सारी ब्रांचेस उस टाइम पर भी डिस्कवर हो चुकी थी. जिसकी एस्ट्रोनॉमी, किसको
एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस स्पेस के बारे में पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी भी तो उस टाइम पे किसी को ट्रीटमेंट में डॉक्टर बनने वाला है तो मेडिसिन साइंस का भी वहाँ पे वो था। मेटलर्जी, किसको मेटल्स के बारे में पढ़ना है तो मेटलर्जी भी साइंस थी। बहुत सारे ब्रांचेस थे उस टाइम पर भी, ठीक है। आप एडिशन 3 के नाम पर रख ही लेना। बड़ा मेहर अभी भी पहले ही हमने इनका नाम सुन रखा था। ये कौन थे? उस टाइम के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। ये प्रूव दैट मून रोटेट्स अराउंड दिस अर्थ, उन्होंने उस टाइम पर ये प्रूव कर दिया था कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, और अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है। द बृहद संहिता ऑफ ब्राह्मी डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। तो बृहद संहिता क्या एक उनकी बुक है जो कि एस्ट्रोनॉमी को लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, और भी सारी और भी मतलब और भी चीज़ों का डील करती है, जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो ये एस्ट्रोनॉमी के साथ डील भी करती है इनकी बुक। बॉटनी, बॉटनी होता था प्लांट। अगर आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो बॉटनी एक साइंस होता है। नेचुरल हिस्ट्री आपको पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई है। संहिता मतलब एक संग्रह, बेसिकली कलेक्शन है ये। ब्रह्मगुप्त वो था मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ब्रह्मगुप्त भी एक है पर्सन जो कि क्या थे, एक बहुत बड़े एक अच्छे मतलब मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले डिस्कवर कर दिया था, न्यूटन से पहले। हम न्यूटन को जानते हैं क्योंकि वो इंडिया के बाहर से हैं। तो मैं बाहर की कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग रह चुके हैं इंडिया में, उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी। हम उनका नाम याद नहीं है, लेकिन जो इंडिया के बाहर के जो लोग रह चुके हैं हम उनकी याद रहे। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न भी है क्योंकि जब हम लोगों ने डिस्कवर किया था, हम लोगों के पास ना अपनी चीज़ों को पब्लिश करने के लिए रिसोर्स नहीं थे उस टाइम पर। और जिस टाइम पर न्यूटन वगैरह उस टाइम पर पब्लिसिटी करने के लिए काफ़ी सारे सोर्स ऑफ मीडियम आ गए थे, तो इन लोगों ने तो अपनी चीज़ें पब्लिश कर दी है ना, लोगों के बीच में ले। लेकिन जब पुराने टाइम पर जब हम इंडियंस ने डिस्कवरी की थी, उस टाइम पर हमारा प्रचार करने का कोई वो नहीं था तरीका, ना ही हम लोगों को शौक था शो ऑफ करने का, ठीक है। तो उस वजह से हमारी चीज़ें सामने आई नहीं पाई। वरना इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं ना कि ऊपर से कुछ चीज़ गिरती है तो नीचे ही गिरेगी, फोर्स ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हमने उनसे सेंचुरीज काफ़ी सारे हंड्रेड ऑफ ईयर्स पहले हमने डिस्कवर कर दी थी बिफोर न्यूटन। मेटलर्जी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एट रीच एन एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। काफ़ी एडवांस स्टेज, एडवांस लेवल पे हम इस साइंस के बारे में पढ़ते थे। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली। आयरन पिलर को देखकर आप बता सकते हो कि मेटल्स के बारे में कितनी नॉलेज थी हमें। ऐसे ऐसे पिलर्स बना लेते थे, इतने बड़े बड़े मीनार्स बना लेते थे, ऑब्वियसली तो न्यू नॉलेज तो होगी ना हमें कि नहीं होगी। चरका एंड सुश्रुता बस फेमस स्कॉलर्स ऑफ आयुर्वेद। चरक जो भी नाम है इनका, और सुश्रुता पे आई थिंक ये बोथ है। सुश्रुता आई थिंक आपके फर्स्ट में मतलब ध्यान आ रहा मेरे को, एक्यूपंक्चरिस्ट वगैरह मतलब कुछ हार्ट डिजीज वगैरह कुछ ऑपरेशन करने वाले पहले आयुर्वेदा के बोथ है ये, तो फेमस स्कॉलर्स रहे हैं आयुर्वेद के। आर्यभट्ट सुना ही होगा इनका नाम तो। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ही फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के ये मैथमेटिशियन थे। उनकी दो फेमस बुक्स हैं आर्यभट्ट है ना, और सूर्य सिद्धांत। उनकी मेन अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, बेसिकली उन्होंने क्या क्या अचीव मिली, उन्होंने अपने नाम में इम्पोर्टेंट काम क्या क्या किए। पहला इन्होंने ही बोला अर्थ जो है सन के राउंड मूव करता है, यूरोपियन से काफी टाइम कहने से पहले इन्होंने ही पहले बोल दिया था इस चीज़ है ना। ही डिस्कवर द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो रूल है ना 1/2 LBH, वो इन्होंने कब पहले डिस्कवर कर लिया था।
कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की जो वैल्यू आती है ना कितनी आती है, आप सेवन आप क्या करते हो 22/7 करते हो ना, 21/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, 21/7 एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, 22/7 तो है नहीं बेसिकली, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना 3.142857 समथिंग ऐसा करके, वो एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की। दिस वॉज इक्वल टू दिस द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुड एक्चुअली गो टू, ट्रिग्नोमेट्री नाम की जो मैथ्स की ब्रांच जो आई है वो बेसिकली इन्हीं की वजह से आई है, वो बेसिकली इन्हीं की वजह से आई है। आपके लिए सब्जेक्ट बढ़ाकर चले गए। इन्हें वर्क का सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में जो उन्होंने लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, एग्जैक्ट कॉजेस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, उन्होंने बताया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते क्यों उसका रीजन, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर भी थे उन्होंने ये भी बताया। आर्य भट्ट वॉज एक्वेंटेड विद डेसिमल सिस्टम एंड यूज जीरो, जीरो की स्टार्टिंग माना जाता है उन्होंने की थी और डेसिमल सिस्टम की स्टार्टिंग भी हम इन्हीं ने की थी, और हमारे जो कॉपी किया था वो अरेबी लोगों ने कॉपी करा और पूरे वर्ल्ड में फैलाया, पर हमने सबसे पहले उसकी डेसिमल सिस्टम की स्टार्टिंग की थी। खत्म करते हैं इसको। कल्चर के बारे में अगर हम बात करें, द गुप्ता एम्पायर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेट अंडर द सक्सेस ऑफ वर्सेटाइल एंड माइटी रूलर्स हु लेड इट फ्रॉम द वन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अचीवमेंट टू अनदर। तो कहना गुप्ता एम्पायर बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्टेट था अंडर द माइटी रूलर्स, वर्सेटाइल एंड माइटी रूलर्स जो काफ़ी वर्सेटाइल और ताकतवर लोगों के सक्सेसन में रहा और जिन्होंने एक से लेकर दूसरी चीज़ें अचीव करते गए। देखा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल भी स्टेबल था वहाँ पर, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश किया वहाँ पर। दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलाउड पीपल टू परस्यू वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, क्योंकि सब लोग प्रॉस्पर थे, कोई लिमिटेशन थी नहीं, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो सब लोग अपने इंटरेस्ट फॉलो करते थे कोई आर्ट्स में, कोई क्राफ्ट में, कोई लिटरेचर में। दस द आइडियल कंडीशन इन द गुप्ता एज लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, इसी वजह से गुप्ता एज में एक ऐसा डेवलपमेंट जो कभी अंदाजा लगाया ही नहीं गया, अनप्रेसिडेंटेड जो कभी अंदाजा लगाया ही नहीं गया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टेम्पल्स वर बिल्ट, उस टाइम पर टेम्पल्स बनाए गए थे अलाबोरेट डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स के साथ, अनलाइक द अदर पीरियड, ऐसा नहीं कि पहले पीरियड में केवल लकड़ी वगैरह से बना दिया गया था, पेरिस मटेरियल से बना दिया गया ना, ऐसा टेम्पल्स इन गुप्ता पीरियड और बिल्ट विद सॉलिड मटेरियल, बहुत सॉलिड मटेरियल के साथ बनाए गए जैसे कि ब्रिक्स एंड स्टोन से। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको टेम्पलों के बारे में बता रहे हैं, बिस्म टेम्पल देवगढ़, देवगढ़ है ना, देवगढ़ नहीं देवगढ़ है ना, देवगढ़। द बिस्म टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड दशावतार टेम्पल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, और गुप्ता लोगों का आर्किटेक्चर जानना है कि उनकी आर्किटेक्चर कितनी अच्छी थी कितनी, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। इट इज़ अबाउट, ये कहाँ पर है बेसिकली उत्तर आ रहा है 125 किलोमीटर फ्रॉम झांसी इन उत्तर प्रदेश यूपी में, झांसी से 125 किलोमीटर दूर लगभग। वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल्स, हिंदू का पत्थरों का पुराणों में से कोई एक, पुराणों में से एक टेम्पल है जो अभी भी सर्वाइव करता है। इट वॉज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में पहला टेम्पल था ये बेसिकली, नॉर्थ इंडिया में जो बना था बिजार शिखर, जिसका एक शिखर था, शिखर को आप नॉर्मल इंग्लिश में टावर बोल सकते हो। ऑल्दो अ पार्ट ऑफ इट हैज डिसअपीयर, थोड़ा सा ये डिसअपीयर हो चुका, टूट फूट गया बेसिकली, इन स्पाइट ऑफ इट डिलेपरेटेड कंडीशन, मतलब टूटी फूटी कंडीशन के बाद भी टेम्पल हैज अ कंपेलिंग प्रेजेंस, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रेजेंस है मानने वाली है, लोग आज भी इसको देखने आते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली मेड ऑफ स्टोन, ये पूरा का पूरा पत्थर से और ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। द टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन अ 1.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, 1.5 मीटर के हाई प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, सरफेस पर बना हुआ है। फोर स्टेज आउटसाइड द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू टेम्पल, चार सीढ़ियाँ हैं बेसिकली, चारों तरफ आप उससे टेम्पल को एक्सेस कर सकते हो। इट्स एक्सटीरियर डेकोरेटेड विद सीन फ्रॉम रामायण, बाहर जो उसकी दीवारें हैं, बाहर की दीवारें हैं वो रामायण के कुछ सीन से डेकोरेटेड हैं। द एंट्रेंस एंड पिलर्स वर अडॉर्न्ड विद काउंटलेस पेंटिंग्स एंड गार्डन्स, और जो अंदर की तरफ का जो रास्ता बेसिकली जाता है और जो पिलर्स बेसिकली वहाँ पे लगे हुए हैं, पेंटिंग्स हैं, कार्विंग्स हैं,
टेम्पल है बेसिकली लॉर्ड विष्णु का है, ये तो मैं आपको बहुत पढ़ी ले गया था। लॉर्ड विष्णु को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन, हु इज ऑन एस्लिप ऑन द कॉइल ऑफ द जाइंट सरपेंट कॉल्ड शेषनाग, जो कि शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। देर वॉज एन आउटर वॉल अराउंड द टेम्पल, एक बाहरी दीवार भी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखना इम्पोर्टेंट ही है। लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। द गुप्ता एज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत की बात किया तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ये रह चुका है। इट इज रिप्रेज द प्राकृत नॉट ओनली इनस्क्रिप्ट बट ऑल्सो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नेचर। पहले प्राकृतिक जनरल लैंग्वेज चलती थी, लोगों की लोकल लैंग्वेज चलती थी बेसिकली, लेकिन इस पीरियड ने आपको उसको चेंज कर दिया और सब कुछ संस्कृत में मतलब मोस्टली कर दिया। संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड रिटेंड इट्स सुप्रीम पोजिशन फॉर 1000 ईयर्स। संस्कृत होशियार लोग मतलब लर्निड लोगों की, बुद्धिमान लोगों की लैंग्वेज बन गई और इसने अपनी पोजीशन को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बेसिकली मेंटेन करके रखा। गुप्ता ने मेड संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। संस्कृत वॉज यूज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इंस्क्रिप्शन, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी संस्कृत का यूज किया जाता था। द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर दैट फ्लावर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कंसिस्टेड ऑफ एपिक्स, मतलब एपिक्स भी संस्कृत में लिखे गए, पोएट्री भी उस टाइम पर संस्कृत में लिखे गए, ड्रामा वगैरह भी संस्कृत में, लिरिक्स वगैरह भी संस्कृत में, प्रोज वगैरह भी सब कुछ संस्कृत में लिखा जाता था। बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर एग्जिस्टेड साइड बाई साइड, रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर दोनों के दोनों वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। द गुप्ता इज वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय नंबर ऑफ राइटर्स। गुप्ता इसको अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी और पीरियड से, तब कुछ राइटर्स की वजह से है, मतलब बाय नंबर ऑफ राइटर्स, वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ राइटर्स वर्क करते थे गुप्ता जी में। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वास्टली एनरिच द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिन्होंने इंडियन लिटरेचर के ब्रांच को काफ़ी ज़्यादा एनरिच किया। सर कुछ के नाम बताओ, कालिदास, सुदर्क, भाषा, हरिसेना, डंडिन, सुबंधु एंड भारवी। बट द मोस्ट शाइनिंग लाइट वॉज ऑफ द कोर्स वॉज लाइट वॉज ऑफ कोर्स कालिदास। तो सबसे फेमस थे बेसिकली अभी तक केवल कालिदास थे, उनमें सबसे फेमस जो थे वो कालिदास थे। ये विष्णु टेम्पल है बेसिकली, ये एंट्रेंस का रास्ता है ये बेसिकली, है ना। कालिदास का पढ़ते हैं। कालिदास इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया में अब तक अगर कभी इंडिया में कोई पोएट अगर बॉर्न हुआ है तो कालिदास जैसा कोई बॉर्न अभी तक नहीं हुआ है। विंसेंट स्मिथ हैज राइटफुली कंपेयर्ड द गुप्ता एज विद एलिजाबेथ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अकॉर्डिंग टू हिम इन इंडिया ऑल द लेसर लाइट्स आर आउटशोन बाय द ब्रिलियंसी ऑफ द कालिदास, एज इन इंग्लैंड ऑल द स्मॉलर ऑथर्स आर ओवरशैडोड बाय शेक्सपियर, ओवरशैडोड बाय शेक्सपियर। बेसिकली कह रहे हैं विंसेंट स्मिथ ने, मैं पोएट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेसिकली, इस पोएट का क्रक्स क्या है बेसिकली, कालिदास के को कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर से। वो कह रहे हैं उन्होंने गुप्ता पीरियड को एलिजाबेथ के पीरियड से कंपेयर किया। उन्होंने कहा जिस तरह से इंग्लैंड में हर छोटे मोटे राइटर, इंग्लैंड के हर छोटे मोटे राइटर पोइट वगैरह शेक्सपियर के पोइट से ढके जाते हैं, मतलब शेक्सपियर के पोइट के आगे पोइम्स के आगे उनका कोई नामो निशानी नहीं रहता, इसी तरह से कालिदास के आगे इंडिया में किसी पोइट का कोई नामो निशान है नहीं। ठीक है, उनके चार पोइटिक वर्क हैं जो काफ़ी फेमस हैं, ऋतु संहरा, रघुवंश, मेघदत्त, कुमार संभव, ये फेमस है ना, ये तो उनके पोइट हो, पोइट्स हो गए तो उनके पोइट है ना। ड्रामास अगर देखा जाए उनके ड्रामास तो वो कौन से हैं, विक्रमो वस्यम, मालविक अग्निमित्रम, अभिजन शकुंतलम। ठीक है, जिसमें से अभिजन शकुंतलम जो है नरेट किया गया है, वो एक बेसिकली क्या लव स्टोरी है और शकुंतला की है ना। हुसन भरत लेटर बिकेम द रूलर, बाद में इनका बेटा भरत कौन बन गया, के नाम पर हमारे बन गया, जिनके नाम पर हमारे इंडिया का नाम भारत रखा गया था बेसिकली। द मेघदत्त जो कि पोएट है,
वो क्या है, एक क्लाउड मैसेंजर। मेघदूत का मतलब क्या होता है अगर लिटरल मीनिंग देखे तो, क्लाउड मैसेंजर याद रखना है बेसिकली। भी इक्वल इन आउटस्टैंडिंग लिरिकल पोइटिक वर्क, यानी ये भी काफ़ी उनकी फेमस पोइट रही है। द हीरो ऑफ मालवी, मालवी का अग्नि मित्रम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी उसका जो हीरो था बेसिक पोइट का, ये उन्होंने चक्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऊपर लिखी गई है। इट वॉज रिटन टू कमोमोरेट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर प्रभावती विद रुद्र सिंह, बेसिकली शादी के रिगार्डिंग उन्होंने ये चीज़ लिखी गई है उनकी। ऑल दी वर्क्स ऑफ कालिदास स्पेशली ड्रामेटिक वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड टू मेनी मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इतनी फेमस है मतलब कालिदास की पोएम कि उसको अलग अलग कंट्रीज में पढ़ा जाता है, तो अलग अलग कंट्रीज में पढ़ने के लिए उसको अलग अलग लैंग्वेज में, उन कंट्रीज की लैंग्वेज में कन्वर्ट ट्रांसलेट किया गया है। ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कालिदास वर्क इज लव नेचर एंड ब्यूटी, दे नेवर द लेस, नेवर द लेस का मतलब फिर भी, नेवर द लेस का मतलब क्या होता है फिर भी, बट दे नेवर द लेस गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन और द गवर्नमेंट, उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, सोसाइटी के बारे में, रीजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, गुप्ता पीरियड के बारे में उन्होंने बाकी बहुत सारी बातें की, पर फिर भी वो नहीं, बट दे फिर भी दे नेवर लेस, हाँ दे नेवर लेस गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन, अच्छा दिए उन्होंने, जिसको उन्होंने रिलायबल इंफॉर्मेशन दी है। बिसाइड्स इसके साथ साथ दे ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ पोलिटिकल हिस्ट्री, उनकी पोइम्स की पोइम्स से हमें कुछ निशान मिलते हैं, कुछ ट्रेसेस मिलते हैं हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ये काम करने था आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, पूरे चैप्टर आपको होमवर्क में है, ठीक है। ठीक है।